होप टॉक चैनल बर्बाद। जी हाँ गाइस, मनोज जी ने होप टॉक चैनल को बर्बाद कराने के लिए एक नया तरीका सोच लिया। मनोज जी ने होप टॉक चैनल को बर्बाद कर दिया। पहले कोई नहीं आया था, 4-5 महीना पहले कोई नहीं आया था छोटे यूट्यूबर की हेल्प करने। लेकिन जैसे ही टैग चैंप सपोर्ट सर ने, यानी कि अंशु मौर्य सर ने अपने चैनल के माध्यम से सभी छोटे यूट्यूबर की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर मनोज सर ने होप टॉक चैनल को बर्बाद कराने के लिए एक नया तरीका सोच लिया। टैग चैंप सपोर्ट सर को एक रास्ता मिल गया था सभी छोटे यूट्यूबर की हेल्प करने के लिए, तभी गाइस उन्होंने अपना होप टॉक चैनल को स्टार्ट किया। तो गाइस, अंशु मौर्य सर अपने होप टॉक चैनल की मदद से सभी छोटे यूट्यूबर की हेल्प करने लगे। जो अपने चैनल पे काफी दिनों से मेहनत कर रहा, उसको कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर अंशु मौर्य सर इन लोगों की स्टोरी को अपने होप टॉक चैनल पर शेयर किया करते थे और बताया करते थे कि ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा, इसको कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो गाइस, अंशु मौर्य सर उन सभी चैनल को अपने चैनल के माध्यम से उनको अच्छा इनिशियल बूस्ट दिलाते थे, और गाइस ऐसी उनकी कहानी आगे तक चलती रही। और गाइस, जो बंदा बोल रहा है कि ये बर्बाद हो जाएगा, कभी बर्बाद नहीं होगा, होप टॉक चैनल जिंदाबाद है और जिंदाबाद आगे तक रहेगा। तो गाइस, यहाँ पर क्या होता है कि मनोज सर चिढ़ जाते हैं, और गाइस मनोज सर चिढ़ने लगते हैं, तो गाइस यहाँ पर क्या करते हैं, मनोज सर अपना थर्ड चैनल खोलते हैं जिस चैनल का नाम होता है मनोज देव पॉडकास्ट। तो गाइस मनोज देव पॉडकास्ट चैनल खोल रहे थे, और गाइस वो मनोज देव पॉडकास्ट चैनल पर क्या करने वाले हैं वो तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मनोज सर मनोज देव पॉडकास्ट चैनल पर सभी छोटे यूट्यूबर की हेल्प नहीं करेंगे, वो सिर्फ उन्हीं चैनल हेल्प करेंगे जो गाइस अपने चैनल से अर्निंग कर दे। तो यहाँ पर कोई भी रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। जो गाइस बंदा अपने चैनल से मेहनत कर रहा है, उसके चैनल से पैसा भी मिल रहा है, तो गाइस वो बंदा और ज्यादा पैसा कमाए, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। मनोज सर बोल रहे हैं कि मैं इस चैनल पे सभी बड़े यूट्यूबरों की हेल्प करूंगा, यानी कि गाइस जो अपने चैनल से पैसा कमाते हो इनको इंट्रोडक्शन को अपने चैनल पे शेयर करूंगा, तो इससे कोई फायदा नहीं है। तुम छोटे यूट्यूबर की हेल्प करोगे तो गाइस आप लोग को सब दुआ देंगे और आप लोग आगे तक ग्रो करोगे। अगर गाइस आप लोग ये काम करते हो तो गाइस इससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग इस चीज चैनल पे दोनों यूट्यूबर को मिलाकर हेल्प करते हो, जो अपने चैनल से पैसा कमा रहा है उसका भी इंट्रोडक्शन दो, और जो अपने चैनल से पैसा नहीं कमा पा रहा है उसका भी अगर आप लोग इंट्रोडक्शन देते हो, तो गाइस उससे आपका चैनल वो आगे तक ग्रो भी होगा, और गाइस आपके चैनल को सभी सपोर्ट भी करेंगे। तो गाइस अगर आप लोग ऐसा काम करोगे तो गाइस बहुत अच्छा होगा। मगर गाइस मनोज सर ऐसा नहीं कर रहा है, और मनोज सर की एक बात और भी बता दूं, मनोज ने बोला मनोज पॉडकास्ट चैनल पे जब तक 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होंगे जब तक मैं किसी की भी वीडियो नहीं डालूंगा, ना ही अपनी डालूंगा, ना ही किसी यूट्यूबर की डालूंगा। तो गाइस जब तक मनोज देव पॉडकास्ट चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक कोई भी वीडियो नहीं डलेगी। तो गाइस भले ही मनोज देव पॉडकास्ट चैनल पर होप टॉक चैनल से ज्यादा सब्सक्राइबर हो, लेकिन गाइस होप टॉक चैनल सभी छोटे यूट्यूबर की जान है और सहन है और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो आप लोग को बता दूं, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर गाइस आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो गाइस इस वीडियो को जरूर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।